दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम स्नैपसीड के कुछ टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप इस टूल्स के बारे में ठीक से समझ पाओगे। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो गाइस देखिए, मैंने फोटो ले चुका है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्यून इमेज, डिटेल्स, कर्व्स, वाइट बैलेंस, इन चार टूल्स पर मैंने जो वीडियो बनाया उस वीडियो के लिए उस वीडियो में आपको आई बटन में दे दूंगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप, रोटेट, पर्सपेक्टिव, एक्सपांड, सेलेक्टिव, ब्रशन इन, हीलिंग, इन सात टूल्स के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्रॉप। तो देखिए, क्रॉप तो आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा। ये क्रॉप करते मतलब फ़ोटो हम एक सेलेक्ट करते हैं एक तरह से, मतलब फ़ोटो में से हमें जितना पार्ट चाहिए हम इस टूल्स का मदद करके उतना ही पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको फ्रेम्स मिलते हैं। ये ओरिजिनल है, ये स्क्वेयर, डिम, ये 3.2 फ्रेम, ये बाद में 5.4 फ्रेम, ये 7.6, ये 16.9 खासकर यूट्यूब के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर तो ये टूल्स को समझ आया होगा गाइस। अगला टूल है हमारा रोटेट। तो इस रोटेट टूल का यूज़ करके हम फोटो को रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से हमारा फोटो रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह देखो, इस तरह से हमारा फोटो इस टूल्स के यूज़ करके रोटेट होता है। अगला टूल है हमारा गाइस पर्सपेक्टिव। इस टूल का ये टूल बहुत अच्छा है गाइस। देखो, यहाँ पर आपको एक मिलता है टिल्ट, जिससे देखो आपको ये फोटो ऊपर करने पर आपका फोटो ऐसे मतलब टिल्ट हो जाता है, और नीचे करने मतलब एक टाइप का आपके फोटो के इस टूल के यूज करके 3D लुक मिल जाता है गाइस। ये आगे देखिए, रोटेट, हम फोटो आप फोटो को ऐसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। अगला है फिर स्केल। स्केल से आप देखिए, ये फोटो ऐसा बड़ा, छोटा, ये ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हैं। अगला है फ्री वाला, इससे आप फोटो को किसी भी डायरेक्शन में देखो, इस तरह से लंबा, बड़ा, छोटा, या फिर इस तरह से आप एक फोटो को 3D लुक थंबनेल्स के लिए टूल्स का यूज़ किया जाता है थंबनेल तैयार करने के लिए। तो गाइस, अगला टूल है एक्सपांड। गाइस, एक्सपांड टूल्स को आपने पिक्सआर्ट में भी देख लिया होगा। इस टूल्स का यूज़ हम फोटो को एक्सपांड करने के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हो ये फोटो किस तरह से एक्सपांड होता है। पर ये टूल्स खासकर यूज मत किया करो, इससे फोटो आई थिंक अच्छा नहीं हो जाता। कभी कभार यूज मतलब किया करो, नहीं तो इस फोटो में तो इसे खासकर यूज नहीं करता गाइस, क्योंकि ये फोटो पूरी तरह से ख़राब कर देता है। इसलिए मैं इस टूल का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करता, तो समझ रहे हैं ना आप। तो अगला टूल है हमारा गाइस सेलेक्टिव। सेलेक्टिव टूल से स्नैपशॉट आपका एक बहुत ही खास और मेन टूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लस वाला आइकॉन यहाँ पर हम देख लिए। मैंने इस गले पर टच कर दिया को, यहाँ पर एक आपको दिखाया होगा बी। यहाँ पर जब ऊपर स्कोर करेंगे तो आपको दिखेगा ये ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन और स्ट्रक्चर। तो गाइस, जब आप इसको राइट स्लाइड करते हो, देखिए आपका मतलब वो एक पार्ट सेलेक्ट कर लेता है। आपको दिखाता हूँ कैसे पार्ट, देखो ये आपने कर लिया, मतलब ये उस कलर का जो पार्ट है उस पूरे फोटो में वो पार्ट वो सेलेक्ट कर लेता है, और उसी पार्ट पर ये फीचर अप्लाई होता है। तो आप देख सकते हो सिर्फ उसी पार्ट का ब्राइटनेस बढ़ रहा है, बाकी किसी फोटो में किसी पार्ट का ब्राइटनेस नहीं बढ़ रहा है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो उसी पार्ट का बढ़ रहा है और किसी पार्ट का नहीं। ये सैचुरेशन भी आप देख सकते हो इस तरह से आप, और आप इसमें बहुत सारे यूज़ करते हैं। आपको इसके प्लस पर क्लिक करना है, टच करना है, प्लस पर क्लिक करना है, टच करना है। इस तरह से आपको जो भी पार्ट चाहिए वो पार्ट आप सेलेक्ट करके इस टूल की मदद से आप कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट टूल है ब्रश। गाइज, मैं अपनी बात आपको कहना चाहता हूँ, इस टूल में सिर्फ मैं एक्सपोजर इस टूल का यूज़ कर सकता हूँ। मेरे मानो तो आप सिर्फ इसी टूल का यूज़ कर सकते हो। आप फोटो में इसे इस टूल का यूज़ करके आप फोटो को स्क्रीन टोन दे सकते हो। या आप देख रहे हो स्क्रीन कैसी गोरी हो रही है, इस टूल का इसे यूज़ करके आप गाइस फोटो में स्क्रीन टोन दे सकते हो। ये आप देख सकते हो, देखो एक स्क्रीन इस तरह का फोटो का इस टूल का यूज़ करके आप स्नैपशॉट अपने स्क्रीन को एकदम वाइट कर सकते हो, मतलब एक तरह से स्क्रीन टोन आप इस टूल का यूज़ करके दे सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट टूल है हमारा हीलिंग टूल। तो आज हीलिंग टूल आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। इसीलिए हीलिंग टूल्स का यूज करके आप
हीरिंग टूल का यूज़ करके आप फोटो में से कौन सा पार्ट रिमूव भी कर सकते हैं आपकी मदद से, जो आपको पार्ट नहीं चाहिए फोटो में वो आप रिमूव कर सकते हैं। और एक इस टूल का एक बहुत अच्छा यूज है, इस टूल से आप स्नैपसीड में आपके बॉडी के ऊपर से ब्लैक स्पॉट्स या फिर पिंपल्स अगर कुछ भी हो आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ये नीले पे दिख रहा होगा काला डब्बा, तो ये देखो इस तरह से मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। देख लीजिए इस तरह से मुझे ब्लैक स्पॉट्स से पिंपल्स सब आप इस फोटो का इस टूल का यूज़ करके फ़ोटो में से रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह से हम स्नैपसीड में हीलिंग टूल का यूज़ करते हैं। आई होप गाइज वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए इस तरह के वीडियोस में हमेशा लाता रहता हो, इस तरह के वीडियोस हमें हमेशा लाता रहता हूँ गाइज। तो हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को शेयर करो और बेल आइकन को दबाकर बेल को ऑल पर क्लिक करो। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज।